देहरादून से सुनील जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्कार अकील जी। जय हिंद, स्वागत आपका सुनील सर जी। मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब दो तीन प्रॉब्लम है मुझे। एक तो मेरी चेस्ट में पेन रह रहा है, दूसरा एक पसली के नीचे मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था तो उसमें दर्द रह रहा है, चुभन की रह रही है साल दो साल से, 10-12 साल हो गए ऑपरेशन को किए हुए। तीसरी प्रॉब्लम मेरी घुटने में है, तो घुटने का एक्सरे और चेस्ट का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ये सारा कराया मैंने, पेट का भी चेस्ट का भी और घुटने का भी। तो चेस्ट और पेट में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर, और घुटने में डॉक्टर बोल रहा है कि हड्डी रगड़ लगा रही है तो उसमें दर्द रहता है, घुटना मोड़ता हूँ मैं तो सीधा करने थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, घुटने में दर्द है। जी, और डॉक्टर्स ने कहा है कि आपके घुटने जो है वो रगड़ खा रहे हैं अंदर से। हाँ देखिए, डॉक्टर तो यही कहते हैं कि उसका ग्रीस खत्म हो गया, तो उसका लोआब खत्म हो गया और घुटने दूर हो गए, घुटने पास आ गए, और किसी तरह ऑपरेशन मत कराना आप। मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो लेना आप, एक एक करके दोनों नुस्खे लीजिए। दो नुस्खे आपको मैं पेश कर रहा हूँ, बहुत आसान है। देखिए, गौंद सियाह लीजिए, असली लीजिए, बहुत नकली मिलता है। असली अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ये 1 ग्राम खाली 15-16 रुपए का आता है असली, और आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम को खाना है। खाने के बाद पानी या दूध से ले सकते हैं। तो ये आपके घुटनों का इलाज है, और 2 बार खाना है बस। अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया असली, तो अपने ख़त्म होने से पहले ये मरीज़ को अच्छा कर देता है, ऐसा इसका रिकॉर्ड है। रॉ मटेरियल है ये, और पेट की समस्या भी आपकी है, तो उसमें एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार बस वो पानी पी लिया करिए। नमक जैतून एक विशेष नमक होता है जो हमारे पेट के मामलों को अच्छा रखता है। आप इसे इस्तेमाल करें और बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, गॉल ब्लैडर का इन्होंने ऑपरेशन कराया है, चुभन रहती है और साथ ही इनको चेस्ट में भी पेन रहता है अक्सर। हाँ देखिए, ये जो नमक जैतून मैंने बताया, ये हमारे एब्डोमन का इलाज है। एब्डोमन कहते हैं पेट के सारे मामले, तो ये चेस्ट पेन, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, या जिसके गॉल ब्लैडर ना हो। तो जिसके गॉल ब्लैडर नहीं है, वो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर अगर दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया करें, तो ये चेस्ट की जलन, चर्बी का बढ़ जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल और वज़न का बढ़ जाना, इन सब में, और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, और ये नुस्खा गॉल ब्लैडर का काम करता है। अगर गॉल ब्लैडर नहीं है, ये नुस्खा ले लिया जाए तो गॉल ब्लैडर की ज़रूरत को ये पूरा करता है। जी।